अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स हैं ये टूरिज्म सर्विसेज पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब में जो टूरिज्म सर्विसेज हैं उसके अंदर जॉब्स हैं और पंजाब के डोमिसाइल के लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेटर चाहिए, 17वें स्केल का एक वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री, 16 years एजुकेशन, प्रेफरेबली इन इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, 30 से 35 साल एज है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, अच्छा, टू बी अपॉइंटेड एनी वेयर इन पंजाब, पंजाब में कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है। 17वें स्केल की जॉब है, एक वैकेंसी है और ये जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स डिग्री है, 16 years एजुकेशन, प्रेफरेबली इन इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, वही जो ऊपर वाले की जॉब की थी वही इसकी तकरीबन तमाम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, 30 से 35 साल एज रिक्वायर्ड है। टूरिज्म इंस्पेक्टर ये 16वें स्केल की है, 8 वैकेंसीज हैं और 16 years बैचलर डिग्री, ये बैचलर इन ऑनर्स चाहिए या HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसमें कुछ बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं और 22 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट है। टूरिज्म सब इंस्पेक्टर 14 वैकेंसीज हैं, 14 years बैचलर डिग्री चाहिए और ये बाकी आपकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और 20 से 25 साल एज रिक्वायरमेंट है। कैशियर 14 स्केल की है, एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स चाहिए, 25 से 35 साल की एज रिक्वायरमेंट है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। और वायरलेस कंप्यूटर ऑपरेटर 7 वैकेंसीज हैं, इंटरमीडिएट विद 1 year डिप्लोमा है कंप्यूटर में, 22 से 30 साल की एज रिक्वायरमेंट है और इसमें जो कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन ही रिक्वायर्ड है। उसके बाद जूनियर क्लर्क है, 3 वैकेंसीज हैं, 11वें स्केल की है और इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, 22 से 35 साल एज होनी चाहिए। टूरिज्म कांस्टेबल है, 60 वैकेंसीज हैं, टूरिज्म कांस्टेबल्स की 60 वैकेंसीज हैं, 9वें स्केल की जॉब है ये, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट ये कि 12 पढ़ा हुआ जो भी है वो इस पर अप्लाई कर सकता है, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और ये 18 से 25 साल एज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ड्राइवर है, 4 वैकेंसीज है, मिडिल पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, 4 स्केल की है। कुक है, लाहौर में इसकी पोस्टिंग होगी, इसकी बेसिक स्केल 2 है, 1 वैकेंसी है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 से 40 साल एज रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नैब कासद है, 4 वैकेंसीज हैं, चौकीदार 2 वैकेंसीज हैं और फर्दर द अपॉइंटमेंट विल बी मेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अच्छा, अप टू 30/6/2024, ये 23 और 24 2 साल के लिए है और द रिक्रूटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ पोस्ट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये उनकी इंटरनल रिक्वायरमेंट है। अगर वो इनकी फर्दर जो है वो इन जॉब्स की जो है वो अप्रूवल हो जाती है तो फिर ये पोस्टिंग होगी, अपॉइंटमेंट्स होगी। फाइनल लेटर जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इशू किया जाएगा, पे विल जो है वो एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी दी जाएगी, एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, उस पर आप लोगों ने 18/4/2022 से पहले एप्लीकेशन सब्जेक्ट सबमिट करवा देनी है, ये गिवन एड्रेस है, ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपनी वेबसाइट ये है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला मैं वहां से काट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे अपनी साइट पे दे दूंगा, इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। आप लोगों ने यहाँ से, क्योंकि वीडियो के अंदर आप लोग ये एप्लीकेशन नहीं ले सकेंगे, आप लोग उस मेरी साइट पे जाएंगे, वहां से ये वाला फॉर्म डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे अपनी तस्वीर लगाएंगे और नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, अपना CNS लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, सूबा लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और अपना परमानेंट और पोस्टल एड्रेस लिखेंगे और अपना यहाँ पे एजुकेशन लिखेंगे। अगर आप लोगों की एजुकेशन यहाँ पे पूरी आ जाती है ठीक है, अदरवाइज एक एडिशनल शीट अटैच कर लेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे सेम, अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं पूरा नहीं आ रहा
आपका 4, 5, 7 जगह पे जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप लोग एडिशनल शीट ऐड कर लेंगे। कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट में पहले जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो ये वाला एनओसी साइन करवा के देंगे, नेम ऑफ प्रेजेंट पोस्ट बताएंगे और स्केल बताएंगे, अपना नेम ऑफ ऑफिस बताएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह ये सारी चीजें बताएंगे, डिक्लेरेशन है ये आप लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर करना है, ये आप लोगों ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ये एनओसी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की तरफ से डिक्लेरेशन है। नेम लिखेंगे, साइन करेंगे, डेट डालेंगे और आप लोग सबमिट करवा देंगे ऊपर गिवन एड्रेस पे। ये एप्लीकेशन में अपनी साइट पे दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है, अप्लाई करना है विद इन ड्यू डेट, और ड्यू डेट है 18/4/2022। अप्लाई करें अपने लिए, मेरे लिए दुआ करें, खास तौर पे इस बाबरकत महीने में, रमजान के महीने में आप लोगों ने अपने और अपने बहन भाइयों तमाम मुसलमानों के लिए रिस्क हलाल और पकीजा रिस्क और बाबरकत रिस्क की दुआ करनी है। ऑल द बेस्ट।